क्या आप लोग यकीन करेंगे, मैंने ये केक सिर्फ 7 मिनट में बनाया है, वो भी बिना अंडे बिना ओवन के। नहीं हो रहा ना यकीन? तो चलिए मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीजा रेसिपी। आई होप यू आर ऑल वेरी वेल। 7 मिनट माइक्रोवेव चॉकलेट केक बनाने के लिए सबसे पहले 2 बाउल मैदा लिया है, 1/4 बाउल कोको पाउडर, 1 TSP बेकिंग पाउडर, 1/2 TSP बेकिंग सोडा ऐड किया है। पैन को ऑयल से ग्रीस करके पहले ही तैयार करके रख लेंगे। विद इंग्रेडिएंट्स में 3/4 बाउल शुगर पाउडर, जो कि आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं, 3/4 बाउल रिफाइंड ऑयल, इसमें कोई स्मेल वाला ऑयल यूज नहीं करेंगे, 1 TSP वनीला एसेंस, 2 बाउल हॉट वाटर, और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें पहले से तैयार ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे किसी छलनी से, फिर सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। ग्रीस किए हुए पैन में केक के मिक्सचर को अच्छे से डाल देंगे। अब तुरंत ही इस पैन को माइक्रोवेव में रखेंगे और 7 मिनट के लिए बेक करेंगे। मिनट हो गए हैं, केक को माइक्रोवेव से बाहर निकाल लेंगे। अब टूथपिक डाल के केक को चेक करेंगे, क्लीन आती है तो केक पक चुका है। केक को लगभग 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे, जिससे कि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद इसको डीमोल्ड कर लेंगे। केक तैयार है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी खा सकते हो, बट मैं इसमें चॉकलेट सिरप डाल रही हूँ, जिससे कि इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। मैंने इस केक को स्ट्रॉबेरी और ब्लैक ग्रेप से सजाया है, आप अपने पसंद अनुसार फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स से इसको सजा सकते हैं। लीजिए तैयार है सॉफ्ट स्पॉन्जी 7 मिनट माइक्रोवेव केक। इस यम्मी केक को वैलेंटाइन पे आप अपनों के लिए बनाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।